बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कंस्टेंट एंड आइसोसेल ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1/1/2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेल ट्रायंगल। वो कह रहे हैं एक आइसोसेल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका बेस जो है 8 सेंटीमीटर है और उसका एल्टीट्यूड हमारे पास यहाँ गिवन है 4 सेंटीमीटर। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें दूसरी ट्रायंगल भी एक कंस्ट्रक्ट करनी है जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की 1/1/2 टाइम्स होगी। इसको हम कैसे कह सकते हैं बच्चे? देखिए, 1/1/2 टाइम्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है जैसे 1/1/2, इस तरीके से लिखा है बच्चे। तो हम इसको फ्रैक्शन में बना लेते हैं, 2 × 2 + 1 तो 3/2। इसको मतलब जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की 3/2 की हमें दूसरी ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है? BC जो कि 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं BC, नेमिंग कर देते हैं इसको, ये B, ये C, ये हमारे पास कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने एल्टीट्यूड दिया है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो या एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड होता है उसी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। और वो कैसे ड्रॉ किया जाता है बेटा? उसको हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास ये लाइन है जैसे BC है उसको हाफ से ज़्यादा खोल लो। आप हाफ से ज़्यादा खोल लिया, हमने ये इतना खोल लिया है। अब इसको एक पॉइंट पे रखो, हमने अभी सी पे रख रहे हैं इसको, और सी पे रख के एक बार यहाँ कट और एक बार यहाँ कट, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बी पे रखते हैं, सी पे रख के हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ कट कर लिया, अब बी पे रख के यहाँ कट और यहाँ कट। तो इसको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जो कट आ गया इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट आ गया ये आप हमारे पास ए है, ए पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट। इसको हम यहाँ से यहाँ पे ये ज्वाइन कर देते हैं, ये हम ए बी को ज्वाइन करते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये हमारे पास ए सी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए आगे हमें क्या करना है, हमें इसी की 3/2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की हमें दूसरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में बड़ा नंबर हमारे पास 3 है, तो हम नीचे एक एक्यूट एंगल बनाते हैं बी से, ये देखिए ये एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ किया। और अब यहाँ से इस पे तो बच्चे आप डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास ये चीज़ हमें मिल गई है, हम इसको यहाँ से 3/2, चलिए पहले मैं आपको जैसे हम करते आ रहे हैं ऐसे ही करते हैं, इसको एक सेम पैटर्न में हम खोलेंगे। आप कितना ही खोल सकते हो इसको, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना ही आपका जितना ठीक लगे आपको आप उतना खोल सकते हो। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 कट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे होता है वो यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, यानी ये 2 से इससे ये यहाँ पर इसको नेमिंग भी कर देते हैं साथ साथ, ये हमारे पास B1, B2, ये B3। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हम एक आर्क लगा देते हैं, इसी तरीके से इस पॉइंट से भी एक आर्क,
ये लगा देते हैं। अब देखिए इनको मेज़रमेंट कर लेते हैं, कितनी आर्क है ये, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक, और ये हमने लगा दी आर्क, लग गई है। अब हमें इसके पैरेलल ही ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर डी। अब जब हमारी ये हमने यहाँ से इस पॉइंट पे गया हुआ है, तो हम यहाँ से भी रख के इसको आर्क लगाते हैं। ये हमने रख के यहाँ से आर्क लगाई, और यहाँ से भी रख के ये आर्क लगाई। अभी देखिए बेटा, तो यहाँ से मेज़रमेंट करते हैं, इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं, ये इतनी है हमारी। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा, ये है। तो यहाँ से रख के अब हम ये आर्क लगा देंगे। अब हमें इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ से ऊपर जो है हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से जाएगी, ठीक है बच्चे। अब ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, चलिए अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गए इसके पैरेलल, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट हमारे क्या आ गया, इसको हम नाम देंगे ई। यहाँ से ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्सरसाइज 11.1। तो अब हमारे पास हमारी कौन सी ट्रायंगल बन के तैयार हो गई है, ये हमारी ए बी सी। इसके जो टू थ्री टू जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की थ्री टू कौन सी वो हो गई ट्रायंगल ई बी डी, ये हमारी ट्रायंगल बन गई। अब देखिए बच्चे, इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर हमारा ये बी सी हमने लिया है, कितना लिया है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बच्चे, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए से, और यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं हम ए एम। ये मैंने यहाँ पर नेमिंग नहीं करी है, इसको नेमिंग कर देती हूँ मैं एम। तो सेकंड ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन बी सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट, अब हमने एम पी को हमने कितना जो हमारा एम ए है, एम ए है, ए एम कह लो या एम ए कह लो, एक ही बात है बच्चे, वो हमने कितना कट किया है, एम ए इज इक्वल टू कितना है वो 4 सेंटीमीटर बोला गया है, तो उसको हम 4 सेंटीमीटर के इक्वल दिखा देते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी ए बी ए एंड सी ए, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया बच्चे, देखिए जब हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो जो ए बी सी जो ट्रायंगल बन के आई है, वो हमारे पास कौन सी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए बी सी, वो हमें मिल गई है। ए बी सी ट्रायंगल उन्होंने बोला था, वो तो हमारी हो गई है। अब उसकी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो आप कह सकते हो बिलो बी सी मेक एन एक्यूट एंगल, हाँ
हमने एक एक्यूट एंगल वहाँ से बना लिया है। अब हम लिखेंगे अलोंग बी एक्स, सिक्स पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, अलोंग बी एक्स मार्क ऑफ थ्री पॉइंट्स सच दैट, इस तरीके से हम वो पॉइंट्स लेंगे तो कि बी बी वन इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू बी टू बी थ्री। ठीक है बच्चे, तीनों पॉइंट्स हमने इक्वल ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बी ज्वाइन बी टू सी, अब हमने बी टू से सी को ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेवन एट पॉइंट, तो कहाँ से ये हमारा क्या है बी थ्री पॉइंट फ्रॉम बी थ्री ड्रॉ बी थ्री और ये पॉइंट है हमारे पास डी इज एक सॉरी पैरेलल टू, किसके पैरेलल हमने करनी है उससे पहले क्या है ये बी टू सी, बी टू सी इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम नाइन पॉइंट हम लिखेंगे फ्रॉम डी, अब डी पॉइंट से कि डी ई जो है वो सी ए के पैरेलल है। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमने उसके बाद हमने क्या किया है बी टू से हमने यहाँ मिला दिया तो इसमें आर्क लगाया फ्रॉम सी से, यहाँ पे हमने ये छोड़ दी बात कि फ्रॉम सी से या आप सीधा ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने डी से यहाँ पे आर्क लगा के इसको मेजरमेंट कर लिया है, ऐसे ही आप लिख लीजिए सीधा। तो फ्रॉम नाइन पॉइंट मैं नीचे लिख देती हूँ, फ्रॉम डी डी ई पैरेलल टू सी ए। अब हमने डी पॉइंट से ये देखिए बच्चे, यहाँ पे डी पॉइंट से ये जो हमारा डी पॉइंट है यहाँ से हमने डी ई ए लाइन खींची है जो कि सी ए के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल हो गई है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी गेट न्यू ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल whose sides are one upon two corresponding sides of isosceles triangle। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या है हमारे पास, जस्टिफिकेशन हम देंगे कि सिंस डी ई पैरेलल टू सी ए, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई बी डी के, और जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चे, ई बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन में सी ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन में बी सी, ये हमारे किसके इक्वल आएगी बच्चे, थ्री बाय टू के, ये चीज़ हमारे पास थ्री बाय टू के इक्वल आएगी। तो ये हमारी न्यू ट्रायंगल, एक बार आपको दिखा देती हूँ बच्चे यहाँ पर जो हमारी ट्रायंगल बन के तैयार हुई है, ये कैसे है हमारे पास देखिए, ई बी अपॉन में ए बी, यहाँ से हमारे पास आएगा बी डी अपॉन में सी बी, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ई अपॉन में सी ए, तीनों आ गई हैं देखिए हमारे पास यही चीज़ें, ई बी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन में बी सी और डी ई अपॉन में सी ए, तीनों जो हैं वो किसके इक्वल है, थ्री बाय टू के। तो ये हमारा आंसर है बच्चे,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।